सिकंदर का मुकद्दर के एंड में हमें दिखाया गया कि रेड डायमंड्स की चोरी सिकंदर ने की थी, पर क्या ये सच है? आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे सॉलिड फैक्ट्स रखूंगी जो ये साबित करेंगे कि चोरी असली में कामिनी ने की थी, और वो भी मंदेश के साथ मिलकर। नमस्कार और स्वागत है आपका द एंटरटेनमेंट लैब में, जहां हम एंटरटेनमेंट की दुनिया के राज खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर मूवी के एंड में क्या हुआ था। मूवी की शुरुआत होती है एक शानदार ज्वेलरी एग्जीबिशन से, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात होती है। एक आदमी पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि एग्जीबिशन में रॉबरी होने वाली है। पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाती है, अलार्म एक्टिवेट होता है, लेकिन रॉबर्स बिना वक्त गवाए गोलीबारी शुरू कर देते हैं और आखिर में पुलिस रॉबर्स को खत्म कर देती है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, अब हमें पता चलता है कि डिवाइन ज्वेलरी के 5 रेयर रेड डायमंड्स चोरी हो चुके हैं। टेंशन बढ़ती है और पुलिस एक स्पेशल डिटेक्शन टीम को कॉल करती है, जिसे लीड करते हैं जसविंदर। जसविंदर का शक अब 3 सस्पेक्ट्स पर है, मंदेश, कामिनी और सिकंदर। उनका मानना है कि इन्हीं में से किसी ने हीरे चुराए हैं। जसविंदर तीनों को थाने ले जाता है, जहां इंटरोगेशन का खेल शुरू होता है। अब कहानी 15 साल आगे जंप लेती है और जसविंदर को अब पुलिस से टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी जसविंदर सिकंदर को ट्रैक कर रहा होता है और उसे कॉल करता है। जसविंदर उससे बोलता है कि तुम सही थे और मेरा इंस्टिंक्ट गलत था, और फिर सिकंदर से माफी मांगता है और उसे अपने एड्रेस पर बुलाता है। अब दोनों मिलके सारी कहानी डिस्कस करते हैं और लास्ट में जसविंदर सिकंदर को जाने देता है। सिकंदर अब मुंबई से कहीं दूर एक जगह पे पहुंचता है और प्रिया से मिलता है। इसके बाद प्रिया उसे अपने फ्लोरल गार्डन में ले जाती है, जहाँ पे एक छोटे से पौधे को देख सिकंदर बहुत खुश हो जाता है और रोने लगता है। सिकंदर वो पौधा लेकर वापस मुंबई आने लगता है और वहीं बस में उसे जसविंदर पकड़ लेता है। जसविंदर अब उस प्लांट को तोड़ता है तो उसमें से वो 5 रेड डायमंड्स मिलते हैं। अब जसविंदर अपनी एक्स वाइफ को कॉल करके बोलता है कि वो सही था, कि वो डायमंड्स आरोपी नंबर 3 ने ही चुराए हैं। फिर जसविंदर सिकंदर को एक फाइनल ट्विस्ट बताता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानता तो तुम कभी डायमंड्स लेने जाते ही नहीं, और तुमने वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। एक प्लान के पीछे प्लान, तो क्या ये जसविंदर की जीत थी या सिकंदर की हार? अब जसविंदर सिकंदर से सच्चाई पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया? तब सिकंदर एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एग्जीबिशन के एवी सेटअप का काम करते करते उसकी वहाँ अच्छी पहचान बन चुकी थी, लेकिन एग्जीबिशन के 3 दिन पहले एक तुकाराम नाम के आदमी के दोस्त का पीसी ठीक करने के लिए सिकंदर उसके घर गया। वहाँ उसने एक अजीब चीज देखी, एक लाल बैग, कुछ बंदूकें और ग्रेनेड्स। सिकंदर कहता है कि उसने उस कंप्यूटर पर फर्जी पासेस भी देखे जो किसी बड़े प्लान का हिस्सा लग रहे थे। सब समझने के बाद भी सिकंदर ने अपना काम खत्म किया और वहाँ से निकल गया। पर क्या ये पहला कदम था एक बड़े प्लान की शुरुआत का? दूसरे दिन एग्जीबिशन में सिकंदर की नजर वही लाल बैग पर पड़ती है। अब थोड़ी देर बाद तुकाराम उसी बैग को ले जा रहा होता है। उसी मोमेंट में सिकंदर को समझ आ जाता है कि ये लोग एग्जीबिशन लूटने का प्लान कर रहे हैं। सिकंदर तुकाराम का पीछा करता है और उनका पूरा प्लान समझ लेता है। फिर अपनी चालाक सोच के साथ सिकंदर अनूप नाम के एक आदमी के पॉकेट में एक पर्ची छुपा के डलवा देता है। इसी पर्ची के जरिए अनूप पुलिस को कॉल करता है। अब पुलिस के इवैक्यूएशन ऑर्डर के साथ ही सब कुछ कैओस में बदल जाता है, और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सिकंदर ने रेड डायमंड स्काइप कर दिया। सिकंदर को पहले से ही पता था कि गोलीबारी होने पर एम्बुलेंस जरूर आएगी, इसीलिए उसने प्रिया को कन्विंस कर रखा था। जब मेडिकल टीम लाशें लेने आई, तभी सिकंदर ने प्रिया के हाथों में वो रेयर डायमंड्स थमा दिए। जसविंदर ने गुस्से में सिकंदर को 2 तमाचे मारे, लेकिन सिकंदर अपनी दर्द भरी आवाज में रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं एक बार वो हीरे देख सकता हूँ। जसविंदर उससे एक सवाल करता है, उस पैकेट में क्या था जो तुमने तबस्सम को दिया था? सिकंदर जवाब देता है, उस एनवेलप में एक लेटर और स्विट्जरलैंड की टिकट थी, क्योंकि मैं तबस्सम के साथ वहाँ सेटल होने वाला था। इसके बाद सिकंदर जसविंदर को एक प्रपोजल देने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच मूवी एक सस्पेंसफुल एंड पर खत्म हो जाती है और हमारे लिए काफी सवाल छोड़ जाती है। तो मूवी के एंड से हमें ये समझ आता है, ये सिर्फ पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट आने वाला है। इस मूवी में हमें ये बात साफ कर दी गई है कि चोरी सिकंदर ने की थी। आखिर में जसविंदर को सिकंदर एक ऑफर देता है, लेकिन मुझे लगता है कि जसविंदर उस ऑफर को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो सिकंदर को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाएगा। हालांकि जसविंदर की नौकरी भी जा चुकी है और उसकी इमेज भी पहले से खत्म हो चुकी है, लेकिन जसविंदर अपनी खोई हुई इज्जत और नौकरी को वापस पाने की कोशिश जरूर करेगा। पर असली खेल तो तभी शुरू होगा जब हमें पता चलेगा कि ये रेड डायमंड्स असली है भी या नहीं। तो
तो अब मैं आपको बताती हूँ असली खेल क्या होगा। हालांकि ये सब मेरी थ्योरीज हैं, लेकिन इन्हें प्रूफ करने के लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं मेरे पास। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था, असली चोर सिकंदर नहीं बल्कि कामिनी है। तो चलिए जानते हैं क्यों। कामिनी का कैरेक्टर इस मूवी में बिल्कुल बेचारा और साइडलाइन करके दिखाया गया है। उसे कुछ ही शॉट्स दिए हैं और काफी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, जो उसकी स्टारडम के हिसाब से थोड़ा अजीब है। अब अगर हम कामिनी के कैरेक्टर को देखें तो हमें ये पता चलता है कि उसके पति ने उसे डिवोर्स दे दिया है और उसके पास एक छोटी बहन और एक साल का बच्चा है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि कामिनी एक बेचारी और हेल्पलेस औरत है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जसविंदर ने कामिनी को एक छोटा सा डायमंड बेचते हुए पकड़ लिया था और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो सिकंदर पे नजर रखे। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने नोटिस किया होगा कि कामिनी ने वो छोटा सा डायमंड अपने नाखून में फंसा लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसने ऐसा किया क्यों। कामिनी ही असली मास्टरमाइंड थी रेड डायमंड्स की चोरी की, और वही थी जिसने रॉबरी भी प्लान की थी। अब तुकाराम के जरिए कामिनी ने सिकंदर को कंप्यूटर ठीक करने भेजा था ताकि वो प्लान जान सके, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वहाँ पर एवी सेटअप करने वाला आदमी ही तुकाराम के यहाँ पर कंप्यूटर ठीक करने जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उसने वो छोटा डायमंड क्यों चोरी किया। तो मैं आपको बता दूं कि कामिनी ने ये इसलिए किया क्योंकि उसे ये पता था कि अगर पुलिस ने उस पे शक किया तो जरूर उसका पीछा करेगी, और कामिनी चाहती थी कि ये सब हो। अगर वो खुद एक छोटे से डायमंड चोरी में पकड़ी गई तो कोई भी उस पर 50 करोड़ के रेड डायमंड्स की चोरी का शक नहीं करेगा। लोग उसे बस एक छोटी सी चोर समझकर छोड़ देंगे और सारा शक सिकंदर पे चला जाएगा। और मेन बात तो ये है कि कामिनी ने पहले ही वो असली रेड डायमंड्स चोरी कर लिए होंगे और उनकी जगह नकली डायमंड्स रख दिए होंगे। इस सब में उसकी मदद मंदेश ने की होगी। अब इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ। जब जेल में मंदेश ने सिकंदर को ये बताया कि कामिनी का डिवाइन ज्वेलरी में ये सेकंड राउंड है, उसने पहले भी यहाँ 4 साल काम किया था और वो फिर यहाँ से चली गई थी, और अब ये दोबारा वापस आई है और इसे यहाँ काम करते हुए बस 3 महीने हुए हैं। लेकिन कामिनी ने ये सब कुछ पुलिस को नहीं बताया। तो कामिनी ने ऐसा किया क्यों? मेरा मानना है कि पहले वाले 4 सालों में उसने अच्छे से प्लान किया होगा कि चोरी करनी कैसी है। फिर कुछ सालों का गैप लेने के बाद उसने अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना शुरू किया और वो फिर वापस आई ताकि एक और बड़ी चोरी कर सके। मंदेश की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कामिनी के साथ जुड़ा हुआ था और ये इंटरनल न्यूज देता रहता था। कामिनी के एक्स हस्बैंड के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट पार्ट में वो भी जरूर आएगा। तो ये थी मेरी कुछ थ्योरीज। अब आप अपनी थ्योरीज से कमेंट सेक्शंस भर दीजिए, आगे का डिस्कशन हम वहाँ करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।